ये वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है। कस्टमर का कंप्लेंट ये था कि जिसमें कपड़ा सूखता है स्पिन, उसका जो पानी निकल रहा नहीं है और आवाज़ आ रहा है पानी का अंदर से। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बाजू में कपड़ा फंस गया है, चार पांच कपड़ा फंस गया है। तो इसको हम निकालने वाले हैं लकड़ी की मदद से। तो लकड़ी डाल के हम कपड़े को पूरी तरीके से निकाल लेंगे। चार पांच कपड़ा अटका है, अच्छा हुआ ये बफर में फंसा नहीं या मोटर में फंसा नहीं, नहीं तो ये बफर को भी फाड़ सकता था और मोटर को भी जला सकता था। तो इसके लिए आपको जो है सेफ्टी कवर आता है, सेफ्टी कवर को लगा के ही कपड़े को सुखाना है, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो अभी हम हाथ की मदद से हम ये कपड़े को निकाल रहे हैं। बाजू में चार पांच कपड़े अटके हैं, तो कपड़े को निकाल रहे हम, और बैक साइड में भी स्क्रू को निकाल लेंगे बैक साइड में, ताकि हम देख सके कि उसमें भी कुछ कचरा या फिर कपड़ा वगैरह अंदर गया नहीं है, रुमाल वगैरह। तो हम इसकी मदद से सहायता से हम कपड़े को पूरी तरीके से निकालेंगे पहले। तो यह अभी हम कपड़ा निकाल रहे हैं, उसके बाद में हम पीछे भी जाके चेक करेंगे कि पीछे कपड़ा अटका है कि नहीं अटका है। देख सकते हो आप इसमें कितने सारे कपड़े अटके हुए हैं। बैक साइड में देखो आप, ये चार स्क्रू है, इसको भी स्क्रू को भी खोल लेना है। खोलने के बाद हमको देखना है कि इसमें भी कॉइन या फिर कपड़ा वगैरह अटका है कि नहीं। तो अभी हम ये दोनों स्क्रू को खोल के बिल्लो, ये बफर बिल्लो को हम बाहर निकाल लेंगे, जो इसमें लगता है बिल्लो। तो अभी हम इसको बाहर निकालिए तो भी पानी नहीं आ रहा है, मतलब और कपड़ा, एक छोटा कपड़ा अटका है उसमें। तो उसको निकालने के बाद जो है पूरा पानी क्लियर हो जाएगा, फिर आपका पानी जो है वो बाहर निकलने लग जाएगा। अभी आप देख सकते हो हमने खोल दिया है, पानी भी है उसके अंदर तो भी नहीं निकल रहा है। तो अभी हम फिर से कपड़ा अटका है कोने में, जिधर से नाली है उधर का गैप रहता है उसके अंदर से कपड़ा अटक गया उसके अंदर। वो भी निकालने के बाद हमारा पानी जो है वो प्रॉपर निकलने लग जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हो पानी निकलने लग गया कपड़ा निकालने के बाद। तो इसमें पांच छह कपड़े अटके हुए थे, छोटे छोटे रुमाल वगैरह। तो अभी आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा रहेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को।